हाय फ्रेंड्स, जय गेलमा, हर हर महादेव। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग है, मैं वो सुबह सुबह 6 बजे कर रहा हूँ और मैं अभी पहुँचने वाला हूँ सारंगपुर। वैसे तो मैं पहुँच ही गया हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करके जाएंगे हम सारंगपुर मंदिर, वहाँ ही हमारा रूम है। तो रूम पे अंदर जाके आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी नाश्ता आ गया है और नाश्ते में खमण और बटाटा पौवा, हाँ पौवा बट्टे का। और ये देखो एक बार और सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूँ अभी सारंगपुर मंदिर, जहाँ पे कल का प्रोग्राम है मेरा। और आप देख रहे हो कि कितना बढ़िया तरह से ये सब यहाँ का नज़ारा है। पूरा सारंगपुर बहुत धूमधाम से जगमग रहा है और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ अपने रूम पे। सरकारी योजना खाली सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अभी अतिथि भवन के पास में, सारंगपुर मंदिर के अंदर है और वहाँ पे हमारा रूम है। अभी मैं आपको पूरा अतिथि भवन दिखाता हूँ और ये ताजमहल से कम नहीं, आप देखो। तो मैं अभी आ गया हूँ श्री कष्ट भंजन देव हनुमान जी मंदिर संचालित यात्रा धर्मशाला, यात्रिक धर्मशाला है ये। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और रूम में कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ अपने रूम पे और रूम का नंबर है A19 और ये मैंने अब खोला। हाय हाय हाय, हम यहाँ पांचों साथ में ही रहेंगे, 4 बेड है और एक एक्स्ट्रा बेड ले लेंगे। तो ये सारंगपुर मंदिर पे ही रूम हमको वो लोगों ने सब में दिया है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सोने वाला हूँ और 7 बज चुके हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे और उठ के फिर व्लॉग को कंटिन्यू करूँगा, अभी सो जाता हूँ। तो अभी बजे है शाम के 7:30 और मैं जग गया हूँ और सबको मैंने जगा भी दिया है, आप देखो 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 देखो। और सब एक एक करके फ्रेश होने जा रहे हैं और आखिर में मैं जाऊँगा। सो फ्रेंड्स, अभी आ गई मेरी बारी नहाने की और मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। जगदीश भाई नहा चुके हैं, कोई बात नहीं। तो मैं हो गया हूँ अभी रेडी, आप देख रहे हो कि मैंने ब्लैक कलर के पठाने पहने हैं और ब्लैक कलर के पठाने मुझ पर कैसे लग रहे हैं आप कमेंट करके बताना। और अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए और खाना खाने के बाद मैं जाऊँगा डायरेक्ट स्टेज पे। तो फ्रेंड्स, हम सब जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए और देखो सब रेडी हो गए हैं, सब हीरो के माफिक लग रहे हैं अभी। तो हम पाँचों जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए और तो फ्रेंड्स, मैं अभी पहुंच चुका हूं कष्ट भंजन भोजनालय की ओर और आप सामने देख रहे हो कि वो है कष्ट भंजन भोजनालय और हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। तो खाना आ चुका है, जगदीश भाई ने स्टार्ट भी कर दिया है। ये मेहदान लेके आ गए प्रयागराज और मेरा प्लेट अभी लेके आ रहे हैं हमारे महेश भैया, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। आने के बाद जोरों की भूख लगी है तो मेरी प्लेट आ चुकी है और
खा रहा हूँ। तो अभी हमने खाना खा लिया है और यहाँ से जा रहे हैं अभी हम बाहर, और यहाँ पे घूमेंगे थोड़ी देर। देखो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि पूरा सहारनपुर मंदिर दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा है सबको। ये देखो, और ये शताब्दी महोत्सव है। शताब्दी महोत्सव ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पूरा, वैसे समझो ना कि सहारनपुर अभी जगमगा रहा है। देखो क्या अद्भुत नज़ारा है यार। सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्टेज पे आ गया हूँ और जिग्नेश भाई का राउंड स्टार्ट होने वाला है। और आप देखो, सब जिग्नेश भाई भी वहाँ पे आ गए हैं। और देखो भाई
सो फ्रेंड्स, कार्यक्रम हो गया है हमारा ख़त्म और अभी हम जा रहे हैं रूम पे। और आज साड़ंगपुर मंदिर को 175 सत्तामृत महोत्सव था ये साड़ंगपुर मंदिर में, और बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया प्रोग्राम में। और आपने देखा कि व्लॉग में पूरा साड़ंगपुर मंदिर, जैसे साड़ंगपुर मंदिर में दिवाली आ गई वो ऐसा महोत्सव लग रहा है। और सबने हमने खूब इंजॉय किया ये प्रोग्राम, खूब मज़ा आई। तो मैं आ गया हूँ अपने रूम पे और आज यहीं रुकूँगा, और यहाँ से कल देवत भाई खबर का प्रोग्राम है कच्छ में, तो हम यहाँ से निकलेंगे साड़ंगपुर, थोड़ी देर आराम करके मीन्स के सुबह निकलेंगे। और आज का प्रोग्राम आपने देखा कि फ्रेंड्स का प्यार बहुत मिला, और सब जो बाउंसर थे उसको भी दिल से थैंक यू, क्योंकि ऑडियंस इतना बढ़ गया था मेरे पास कि मुझे ऐसे 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 कर रहे थे, तो वो सब बाउंसर ने मेरा ख्याल रखा अच्छी तरह से। और फ्रेंड्स का भी मैं धन्यवाद करूंगा इतना दिल से प्यार देने के लिए, और बहुत प्यार मिलता है आप लोगों की वजह से, और आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। ये व्लॉग देख के आपको मज़ा आई हो, ये व्लॉग आपने एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सबको जय गिलमा, हर हर महादेव। तो मैं अभी जा रहा हूँ, अपना ड्रेस यानी कि कपड़े मैंने चेंज कर लिए और मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने बाहर, व्लॉग का एंड करते हुए। टाटा।